मगर 2022 2020-22 यहाँ फार्म चीज का सर गाचा दिखा होम सिटी। तो ये होम स्टे का एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने खासकर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स और जो फार फ्लंग जो लद्दाख की जो गाँव से सबसे पहले टूरिज्म में बहुत शुक्रगुजार जू फर्स्ट बेस पे नाचा मॉन्स सेकंड बेस पे नाचा होम सिलेक्शन बस दिन अच्छी ट्रेनिंग है पहला दिन। जो ये दो रोज़ का ट्रेनिंग है होम स्टे का इसका बेसिक है इनको बेसिक जो पर्पस है इसका तो यहाँ पे जैसे दो दिन की ट्रेनिंग रखी थी होम स्टे ऑपरेटर्स के लिए तो आज फर्स्ट डे में हमने होम स्टे पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है तो उससे हमने इम्प्लीमेंट किया 2020 से हमने स्टार्ट किया इम्प्लीमेंटेशन। इन दो दिनों के होम स्टे ट्रेनिंग के इनॉग्रल सेशन पे आप सबको वेलकम करता हूँ। तो गवर्नमेंट का ये पॉलिसी था कि सबसे जो गवर्नमेंट का स्ट्रेस रहा है गवर्नमेंट का जो फोकस रहा है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट पर है। कैसे करनी चाहिए आंख मिला के बात करनी चाहिए जो आंखें ऐसे चुराप है ना ऐसे ऐसे तो वो क्या रिफ्लेक्ट करते उसे क्या पता चलता है। रेस्पेक्टेड असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म आसिफ ताहा President All Kargil Travel Trade Association Ahmed Hasnain Saab Respected President Press Club Kargil Ladakh Hussain Khalil Saab Respected Trainers Lecturers from Foodcraft Institute Leh Ladakh जनाब बिलाल अहमद साहब एंड सुशील कुमार साहब टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और यहाँ पे तशरीफ लाए हुए सेकंड बेच के होम्स सिलेक्टेड होम स्टे ओनर्स पूरे करगिल डिस्ट्रिक्ट के रेस्पेक्टेड मीडिया पर्सनल्स अस्सलामुअलैकुम। मैं असिस्टेंट टूरिज्म ऑफिसर करगिल गुलाम रसूल ऑन बिहाफ ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट आप सबको इन दो दिनों के होम स्टे ट्रेनिंग के इनॉग्रल सेशन पे आप सबको वेलकम करता हूँ और तकरीबन शायद हर जगह से आज के हमारे इस ट्रेनिंग सेशन के इनॉग्रल सेशन में तकरीबन 90% जो होम स्टे ओनर्स जो हैं वो तशरीफ लाए हैं कुछ जो जंस्कार के तकरीबन जंस्कार के रोड ब्लॉक होने की वजह से इवन की रोड ओपन था जिसकी वजह से हमने ये प्रोग्राम रखे हुए थे गाड़ियां चल रहे थे लेकिन कल परसों की फ्रेश स्नोफॉल की वजह से शायद कुछ अक्सर जंस्कार के जो बेनिफिशरीज थे होम स्टे ओनर्स थे वो यहाँ पे तशरीफ नहीं ला सके तो उनके लिए हम हायर अथॉरिटीज से या हमारे एडी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए अलग सा कोई जो ट्रेनिंग सेशन रखा जाए चाहे संस्कार में चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे। तो ये हमारा आप लोगों के लिए ये बताते चलूँ होम स्टे जो स्कीम न्यू होम स्टे स्कीम हमारे यूटी लद्दाख बनने के बाद ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाए थे 2020 में जिसके तहत हमने पूरे थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट में चाहे लेह में हो कारगिल में हो आप लोगों से हमने खासकर अनएम्प्लॉयड यूथ से हमने एप्लीकेशन लिए थे पूरे टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से चाहे लेह डिस्ट्रिक्ट में हो चाहे कारगिल में हो तो जिसमें कारगिल में हमें तकरीबन 2500 फॉर्म्स आए थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूडिंग संस्कार सब डिविजन जिसमें से तकरीबन हमारे 2250 जो फॉर्म सिलेक्ट हुए थे तो जिनको फेज वाइज हमने फिर ग्राउंड लेवल पे भी जाके हमने ये वेरीफाई करा के सिलेक्ट किए थे तो फर्स्ट बैच को हमने 2020-21 के फर्स्ट बैच को 2275 बेनिफिशरीज को हमने सिलेक्ट करके जिनको हमने होम स्टे किट्स जो इस पॉलिसी के तहत दिए जाते हैं वो दे के आज वो पूरे थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट में फंक्शनल्स हैं तो लास्ट ईयर इन्होंने स्टार्ट किए थे तो ये आप जो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं आप
सेकंड बैच है इस होम स्टे पॉलिसी के। तो आज के इन दो दिनों के प्रोग्राम में आप लोगों को बेसिक ज्यादा तो इसमें ट्रेनिंग तो आपको महीना भी चल सकते हैं, 6 महीना आपका हॉस्पिटलिटी का वो तो आपका 2-3 साल कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है और टाइम टू टाइम ये थोड़ा सा अपडेट होते भी रहते हैं। तो आप लोगों को बेसिक होम स्टे पॉलिसी क्या है, बेसिक होम स्टे आपको घर में कैसे आपको हैंडल करना है, गेस्ट हाउस रिलेशनशिप क्या है, कैसे बिल्ड करना है, आप लोगों को कैसे होम स्टे चलाना है, जो डिपार्टमेंट आप लोगों को ये जो होम स्टे किट दिए जाते हैं जिसमें तकरीबन आप लोगों को 18-19 आइटम्स हैं, उनको कैसे आपको सेटअप करना है उनके बारे में, या आपको गेस्ट हाउस रिलेशनशिप बिहेवियर के बारे में आप लोग हमारे ट्रेनर्स आप लोगों को इन दो दिनों में आप लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दे देंगे। तो उम्मीद है कि आप इस ट्रेनिंग से फायदा उठाएंगे सब और अपने अपने होम स्टेज को जो हर डिस्ट्रिक्ट के पूरे आपको थ्रू आउट, खासकर हमने ये टाउन एरिया छोड़ के ये रूरल एरियाज में सिलेक्ट किए हुए, तो आप लोग अपना होम स्टे सेटअप करा के ये एक डिपार्टमेंट के लिए भी एक आपको फख्र की बात होगा और साथ साथ में आप लोगों का एक रोजगार का एक जरिया भी बनेंगे। और साथ में जो भी टूरिस्ट आप लोगों के गांव में आते हैं, चाहे आपको होम टूरिस्ट हो, फॉरेन टूरिस्ट हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, तो उनके लिए भी एक फैसिलिटीज प्रोवाइड होगा आपके हर गाँव में होम स्टे एस्टेब्लिश करके। तो इसी के साथ मैं ज्यादा ना बोलते हुए इसके बाद में रिक्वेस्ट करता हूँ रेस्पेक्टेड असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म कारगिल आगा सैयद ताहा साहब से कि आप यहाँ तशरीफ ला के इस पॉलिसी के बारे में, टूरिज्म होम स्टे पॉलिसी के बारे में आप लोगों को तफसील से बताएंगे। सर प्लीज। हमारे आज के मेहमान और हमारे ट्रेनर बिलाल साहब, सुनील कुमार साहब, हमारे प्रेसिडेंट एक्टर के हसैन साहब, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब हुसैन साहब, बाकी जितने भी यहाँ पे ट्रेनिंग हमारे होम स्टे ओनर्स साहिब हैं उन सबको वेलकम करता हूँ। और टूरिज्म पॉलिसी के बारे में हमारे एटीओ साहब ने आप लोगों को थोड़ा ब्रीफिंग दिया, तो मेन मकसद जो है मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, होम स्टे पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया लद्दाख में यूटी फॉर्मेशन ऑफ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरेटरी, तो सेपरेट यूटी बनी हमारी लद्दाख। तो गवर्नमेंट का ये पॉलिसी था कि सबसे जो गवर्नमेंट का स्ट्रेस रहा है, गवर्नमेंट का जो फोकस रहा है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट पर रहा है, और इसी सिलसिले में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स फॉर टूरिज्म प्रमोशन इन लद्दाख, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये, उनमें से एक जो इनका फोकस्ड प्रोजेक्ट था वो था होम स्टे पॉलिसी इन लद्दाख। होम स्टे पॉलिसी का मेन मकसद ये था कि रूरल जितने भी हमारे रूरल एरियाज हैं वहाँ पे एक तो टूरिस्ट अकोमोडेशन क्रिएट हो और लोकल स्टाइल में हो, जैसे कोई अगर टूरिस्ट कोई फॉरेन टूरिस्ट या होम टूरिस्ट कहीं बाहर से आता है, उनका ये मकसद नहीं होता है कि आपके शहर को देखे, आपकी गाड़ियाँ देखे, लेकिन उनका ये होता है कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है, हमारा रहन सहन कैसे होता है रूरल एरियाज में। बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो रूरल एरियाज में रहना पसंद करते हैं, तो गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है कि जितने भी हमारे रूरल एरियाज हैं, रूरल विलेजेस हैं लद्दाख में, उन सब को होम स्टे के अंदर कवर किया जाए। हालांकि ये भी बीच में था कि कोई पोटेंशियल एरिया को ले लिया जाए, लेकिन फिर बाद में कहा कि पूरे जितने भी लद्दाख यूटी लद्दाख के और जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं लेह डिस्ट्रिक्ट और कारगिल डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के हमने कोई भी ऐसा विलेज, कोई भी ऐसा गाँव नहीं छोड़ा जहाँ पर हमने होम स्टे इंट्रोड्यूस नहीं किया, जहाँ पर हमने होम स्टे नहीं किया। तो लेकिन मेन मकसद जैसे इन्होंने बताया कि ट्रेनिंग तो होगा आपका शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स, हमने शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, इसमें आपको बताया जाएगा कि होम स्टे को कैसे मेंटेन किया जाएगा, कैसे इसको चलाया जाएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसको कैसे अवेलेबल रखेंगे टूरिस्ट के लिए। जनता मतलब मेन मकसद पिन ची वैसे स्टुलचिन ची वैसे मतलब जनता सबसे इंट्रोडक्शन तानी जामानी से अनंता दर्शन की ची वैसे मेंटेन रहते हैं, मिसाल अनंता जो सी ची वैसे आचिन मेहमान ची वैसे आचिन, लेकिन दो ऐसे मेन मकसद और गवर्नमेंट ही मकसद पिन फिर से जाता है टूरिस्ट ही मीना गा जाता है टूरिस्ट यूं या मैं कमरा ची जैसे गाची रसूल सर्विसेज कमरा ची अनंता फुल फर्निश बस ताचिन जाता वाटर हीटर आचिन जाता बेड बेडिंग मैट्रेस
मतलब एक कमरा या पूरा सेट रहता से मेहमान ही मिलना, लेकिन दे कमरा चीची को हमेशा तैयार जाचा फॉरेन टूरिस्ट हूँ इंडियन टूरिस्ट हूँ या नती मिसाल मुलाजिम जो दोन साल मीना हमेशा नती खुला उसको मेन मकसद दुदाने मेन मकसद दुची अवेलेबल छ मिसाल जाचा को मेहमान जो ना यहाँ यहाँ दुख्सा में जैसे गाँव जाए स्पेसिफिक जगह गोचिन जैसे गाँव जाए रिक्शा में दिन पेइंग गेस्ट हाउस टाइप खनते पेने खनते पाँचिन लेकिन फैसिलिटी अवेलेबल भी मिलने फैसिलिटी आती गा गाँव में जैसा ना जैसे मिसाल आती लोकल जी गाँव सो या आती मुलाजिम जी सो या आती ठेकेदार जी सो या बाहर का टूरिज्म हो या आती इंडियन टूरिज्म या जैसे आती मिसाल मी मिसाल मुसाफिर जी सो एयर दर टू लेने मसे अखात गाँव का अखात दोन ला फैसिलिटी तो होंगी ना दोन ला दुखसी जगह मुयसर है मेन पॉलिसी और जैसे कि आती रसूल साहब जैसे कि लास्ट ईयर अच्छा शहर 2020 में अच्छा एप्लीकेशन है उसमें होम स्टे अंतर सब एप्लीकेशन तो उसमें दे आना तकरीबन 2500 2000 एप्लीकेशन अच्छे लाए हूँ उसमें से हमने तकरीबन 2000 के करीब जाना सिलेक्ट हूँ मुलाजिम यथान ठीक से मुलाजिम यथान एक दो तकरीबन 2000 और हर गाँव अच्छी की आएंगे हर गाँव ने सिलेक्ट बस अच्छा दोन ला लास्ट ईयर अच्छा तकरीबन 250-300 कवर बस बीची 250 कवर बचेंगे और गवर्नमेंट पॉलिसी चीन गवर्नमेंट पॉलिसी और गवर्नमेंट मकसद को इनके हर गाँव में एकोमोडेशन क्रिएट बचा है एकोमोडेशन फैसिलिटी अवेलेबल जाता है हर गाँव में दे मीना गवर्नमेंट इज देयरिंग के यूटी गवर्नमेंट का यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इज गाँव गाँव में एक तो दाई सो ननिंग था दाई सो दीची था दाम ब्याज लंग कंटिन्यू बिशन यहाँ तांसु के मिसाल बाकी यहाँ सुखा एप्लीकेशन तांसु सिलेक्ट सॉन्ग सियोदना दिल लिस्ट तकरीबन खत्म बचिन बाकी दे जब यहाँ एप्लीकेशन इंजिन लेकिन पॉलिसी कामयाब छे मकसद दादा दो इंदे नती मेन मकसद पेन के पॉलिसी काम से कामयाब छे कामयाब छी कहे जिन यंते काम से टूरिस्ट या यंते काम से गेस्ट काम से एंटरटेनमेंट मतलब को मेन मकसद को यंती परफॉर्मेंस के काम से यंते परफॉर्म बेन दो गेस्ट हाउस से ता यंते जो मिसाल अक्सर यंता इक्विपमेंट जो तो कमरा चीजिंग फरेंज बसता गवर्नमेंट इज दो खेरे ना तांस कमरा चेंज जाल या राज यूज बस टूरिस्ट माउस बोरे सना पूरा मकसद फेल हो सिन नती असल मकसद को नती असल मकसद ला के मोमेंट दो ले अंतों सा मेन मकसद को दसा नती बिलाल सर ने सुजीत कुमार सर ने अंतों पूरा ब्रीफिंग पाचिन ची बस स्क्रीन ची बस पाचिन जैसा लेकिन देर गैप ने अंते दो ग्राउंड लेवल का इंप्लीमेंट बचा इंप्लीमेंट एक तो कमरा सफाई ऑफ ची बचा चीन मेंटेन ची बचा चीन गैस ची वैसे इंटरटेन बचीन गैस वैसे नती मेहमान नवाजी ची वैसे बचीन नती और नहीं नहीं ना आते ना आते दे नती मिसाल होम स्टे मतलब पे नती ना आ जाते हैं नती जाते हैं तुमसे नती लाइफस्टाइल नती गति भी रहन से जो ना दे सारे का कोई जाते हैं तो स्पेशल चीज मिसाल कुछ स्पेशल चीज बचे यो जमीन सिर्फ साफ सुथरा जाते हैं और अवेलेबल जाते हैं दन ता दी जंगी सिंह जा ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज वैसे दे जब ना ता इंशाल्लाह का चाहिए ना सर्टिफिकेट ना ता दो मेना या ता हर दिन जाना चाहिए नहीं दो दीजिए और साइन बोर्ड ता जिन साइन बोर्ड इंश्योर बचा साइन बोर्ड में ना पता नहीं चाहिए मिसाल मी क्यों ना गाँव मी होना पता नहीं चाहिए दो यंता अच्छा दिन वाजिन बोर्ड दे बोर्ड गन्ना गाँव में का जगह नहीं सिखा चिपा ना देखा निस्पाओ मिसाल यंती जंक्शन चौदह रोड जंक्शन जहाँ से देखा इंस्टॉल बचा और हमेशा अवेलेबल जाता है ना दे गवर्नमेंट इंडिया पॉलिसी की कवर तकरीबन एप्लीकेशन सम चीजों से देना चाहिए सिलेक्ट एप्लीकेशन 10,200-250 कवर बस 10,200-250 यहाँ तक 500-500 तक थी यहाँ तकरीबन 1,000-2,000 यहाँ तक थी लेकिन मेन मकसद का तो चीज है ना फुलफिल है ना गवर्नमेंट ने पॉलिसी का तो देना है ना कामयाब है ना दो का तो मचा ना दो यहाँ से दो एंटी का डिपेंड है तय चीज अगर मिसाल यहाँ चक्कर तो टूरिज्म टूरिज्म आती मिसाल सिंसियरिटी नंबर को तो स्टूल ना यंदा टूरिज्म आती तो सिंसियर में मिसाल अंदर समझे हाँ अच्छा सामान को थोप ना अच्छा जो सुरु यों समझ दे दसां दी मिसाल सुरु वेलियम हम से खची हो द्रास लग खची हो नती शर्गोर मूल बैग हो या दसी गर्फोन ले हो हम से खची गैस सास खची हो बिल्कुल मन अजगर को लुशीन या अजगर को मन बल्कि अंती मिसाल के तरी अंती गैस सास नती गाँव सगा मिंगा निस्सु मफन नडी लोकल आया मिंगा मिसाल नती लोकल लफंगा ना जदे मिसाल नती मुसाफिर खखन जापान या ठेकेदार हम खन जापान या मुलाजिम हम खन जापान या टूरिस्ट जापान स्वे ना यंती दानो कम से कम यंते जो रजिस्टर में जन नती छुदा जैसे नती का फॉर्मेट ते फॉर्मेट केर मन से रजिस्टर छियो से यंती मिसाल जल जे जाय बल्कि जा रजिस्टर में जन नती यंता तम से गैस यो दो से गैस यो से यंती परफॉर्मेंस जला का देना जना लयम जना होम स्टे तम से तम लयम फर्दर यम मतलब इंसेंटिवाइज बचिंग यम देनता या मॉनेटरी बनिंग बेनिफिट या दिस और इक्विपमेंट या की देनता या मिसाल कमरा चिची दे जो से कमरा नहीं सोचा लेकिन
दो एंती प्रभाव एंसी का प्रभाव एंते हम कोशिश बचा जैसे मिसाल के तौर एंता हम गांव में नेटवर्क चीज चिंदे करगिल ले आचा होटल पर ने कांटेक्ट बचा या टूर ऑपरेटर दोनों कांटेक्ट बसे ची या यान का होम स्टे हो कामयाबी ने वो स्टोर भी कोशिश बचा दंता बाकी जनता सा शुक्रिया जे जनता सा सोते और जामनी सीधे ट्रेनिंग बनते दस मिसाल गवर्नमेंट इज गति पब्लिक फायदे में चिता एक तो पब्लिक का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो दूसरा पब्लिक इन्वॉल्वमेंट हो टूरिज्म डिपार्टमेंट में तीसरा मिसाल गति अगर ना टूरिस्ट हम बोलना फायदा चौक दे गवर्नमेंट इसम से मेहनत देना पब्लिक का फायदा यूं में ना दो से मेहनत यंती यंती जगह का मारोशिन जी दो दिन प्रोग्राम के अंदर ठीक वैसे अटेंड बचा जी प्रोग्राम का फायदा लें चा पॉलिसी फायदा लें चा और पॉलिसी कामयाब छा चुजा चिता कामयाब छा ना यहाँ टूरिस्ट संगता बढ़ाई छा चा हर चीज छा चा मिसाल अंदर दौसा फॉरेन टूरिस्ट या इंडियन टूरिस्ट जा सा जाना गाड़ी ना थी गाँव में ना यहाँ में काफी अगर साफ सफाई जाना तो गाता टूरिज्म में प्रमोट से मिसाल मिंगा चिची दू संतो जामिंगा सुमा देसिन देन सुमो दे दो जामिंगा सुमा देसिन दे दो टूरिज्म में बढ़ाई छचा गति इंप्लॉयमेंट बढ़ाई छचा एंटी इनकम ऑन जनरेट छचा दे में नते जाने से ट्रेनिंग बढ़ाओ से नचा और ग्राउंड लेवल के अंदर इंप्लॉयमेंट बचा एंते हमेशा टूरिस्ट में अवेलेबल जाता एंती जगह का मेहनत आ बचा छुदा टूरिस्ट गति जो पहुंचा तो मिसाल का शेष काम में करगिल और आइंदा इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट फायदे में शुक्रिया बिलाल सर सुशील कुमार सर डिटेल पूरा प्रोग्राम शुक्रिया मजदी के ट्रेनर सुन सबसे नाम लेना फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे वेलकम है अतिस्ती का ट्रेनर सुनना खतर रिक्तान सिंह या यहाँ पे हमारे जो गेस्ट तशरीफ लाए हुए हैं उनको आज सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको ट्रेडिशनल खतर से इनका वेलकम करें सर प्लीज़ सुशील कुमार साहब ऐसा टूरिज्म के हर कामों में हमें सराहते हैं और साथ में हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं एक्ट्रा के हसनैन साहब और हमारे प्रेसिडेंट प्रेस क्लब हुसैन हालू सर थैंक यू सर। तो आगे बढ़ने से पहले हमने छोटा सा आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन यंता माजी का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा हमने रखा है होम स्टे पॉलिसी के बारे में ये कब स्टार्ट हुए थे कि डिपार्टमेंट ने कैसे आप लोगों को सिलेक्ट किए थे घर घर जाके उसके बारे में थोड़ा सा दो चार स्लाइड्स हैं हम जरूरी समझते हैं कि इनको आपके इसमें नॉलेज में दे दूं ताकि आगे जाके आप लोग इस पॉलिसी पे को कामयाब करें और आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप लोग पूरे 2500 में से सेकंड बेस में से आप लोग आए हैं। इस पॉलिसी का पूरा डिपेंडेंट आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इस पॉलिसी को कैसे कामयाब करते हैं। वो जरूरी नहीं है कि यंता हर गांव में कि आज तो सोशल मीडिया का टाइम है हर किसी के पास अपना टूल है कि कैसे आप लोग टूरिस्ट अपने गांव में कैसे अट्रैक्ट करना है कैसे चलाना है चाहे आप इंच में बैठा हो आप चाहे संस्कार के शून्य शरे में बैठा हो जहां पे भी हो वो आप लोगों के ऊपर है कि आपके एरिया में टूरिस्ट आप लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है आपके सराउंडिंग्स को कैसे क्लीन रखना है ये भी इस पॉलिसी का एक मेन जो एम आवश्यक ने बताए ये भी है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको कैसे करनी चाहिए आंख मिला के बात करनी चाहिए जो आंखें ऐसे चुराते हैं ना ऐसे ऐसे तो वो क्या रिफ्लेक्ट करते उसे क्या पता चलता है जो आंखें चुरा के बात करता है क्या होता है उससे कॉन्फिडेंस नहीं है ना इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है ये लगता है ना तो जो आई कॉन्टेक्ट के साथ बात करता है तो लगता है ही इज कॉन्फिडेंट कौन बोलेगा क्यों जरूरी है जी पर्सनालिटी के लिए वेरी गुड आपकी और कौन बोलेगा ध्यान नहीं होता ना इधर हाइजीन क्यों जरूरी है हाइजीन इसलिए जरूरी है ताकि हम बीमार ना हो तो सर दो दिन होम स्टे के दिन ट्रेनिंग चीज आप बेनिफिशियरी गिन सना गजब चेहर शुक्रिया अदा कि इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जिले ने अंदर सपोर्ट सबसे पहले ना टूरिज्म में बहुत शुक्रगुजार जो फर्स्ट बेस पे ना चाहे मॉन्स सेकंड बेस पे ना चाहे खून सिलेक्शन बस दिन ट्रेनिंग पहला दिन जो
अस्क यहाँ चीज पेनी ट्रेनिंग दूसरा दिन दसम आना टूरिस्ट पाए उन गेस्ट पाए उन खोज अक्सान होटल बसान जी होम स्टे खो सबसे प्रिफेयर मिले सर खुआ दो मैंने मजा सॉरी जुक दे टूरिज्म बहुत बहुत शुक्रगुजार जर अतः असर नौकरी थोचा मसूँ बेरोजगार बढ़ी सो छा चलो होम स्टे रही से चुचा अतः फायदा तो पजू हाँ टूरिज्म मैंने एक बार फिर शुक्रिया अदा भेजो खो अतं दे चलो लजू जो फैसलिटीज से शुद्ध चुस्पी बहुत बहुत शुक्रिया सर किट विट अच्छा 19 आइटम दुख सर किट दोन खेरे होम स्टे मतलब मीस मैं चाहें मतलब जी ने फायदा लेन जाए लेन मशीन फायदा मैं सख्ती दुख जो है ये होम स्टे फायदा सख्ती दुख दस मैं टूरिस्ट पास होटल बस होम स्टे मोहम्मद तेने जो है हानिस दू बाकी खो दस मैंने माथम ना खो बेच होटल लदूँ बाकी होम स्टे जे खो खोरे खोरे माथम ना होटल लदूँ होम स्टे पूरा जो मैंने पूरा खो होम स्टे प्रिफेयर मिले मैंने होम स्टे माथम ना खो आखिर लाचार सो होटल लदूँ सेन दिया टूरिज्म बड़े दोनों होम स्टेज टूरिस्ट ज्यादा पसंद बन बाकी होटल हेलो अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब टूरिस्ट ना पहला तंग पता मित सर कि आजकल हालत दरंग सकपे गिजोला होम स्टे के यूंग पहले भी दर्शिस घर को यो तीन चुदेस ना मगर 2022 2022 यहाँ फार्म चिस्कांस पिन सर गाचा सिया दिखा होम स्टे फिला देखा ना ज्ञान फर्स्ट पान लाना तंग पिन लो फर्स्ट सीरियल नंबर यहाँ सूस पिन का तुन लखन सामान वमन तंग से खूँ पूरा रजिस्ट्रेशन बस से दुपा सर या सेकंड इन कस सर सेकंड इन दिन फोन चीज पाने दिखा ट्रेनिंग ची चु सर या ट्रेनिंग यूं जरे जरे दिया ट्रेनिंग तमन अर दमो दुख सर या टूरिज्म ऑफिसर ला या शुक्रिया अदा जू क्योंकि ट्रेनिंग पे सब इन चूंकि आतेस हाँ मैं पूरा गेस्ट चीब से आतेस कवर बचिन खो हाँ खून अम्बो आती बिहेवियर पे चीब से हाँ खून अम्बो पेश हो चिन जरे साफ सफाई पर्सनल हाइजीन है चीब से ओचिन सबसे पहले ना सबसे पहले तो खुद को साफ होना है फिर हाँ दूसरे को जरे स्नान लंगातंग आतंग पूरे चीब से सफाई वैसे दुख चिन जरे दी बारियाँ ट्रेनिंग तुजो दक्षा अति यूल लहा दक्षा की होम सिटी यू मना जैसे कि गोरमेंट सामान चिने तंग से लंगातंग की तो सामान चितंग जरे नंग दू चलो फाँ से मिचे मिजक से जुया गचुक के गेस्ट यूं न कतो गचुक दक्षा ना हा यूटी सोच नती अतिर ज्यादा दें टूरिस्ट पंग बड़े ही सोच जो ज्यादा हा टूरिस्ट पाएंगत ज्यादा टूरिस्ट सिटी बचे हा गाँव अच्छा पसंद बचिन जो चेज बना खों गाँव अच्छा चो कि अति कल्चर चिदो अति दुख जो अति लाँस दो अति चीज आ चुक अति लास्ट बात चुक जरे हा खों दे फिला खोर बूँ यूँ पे ज्यादा खों दू यू मना अति दक्षा हर यूल यानो होम स्टे तंग से इन तुक जुदी कना जंसकार सकपा तंग से जुक आयंदा गाँव यानो दुच होम स्टे यूं ना या खों ने बोर देमो बसे पेज बसे अतंग सफाई बसे साफ सफाई बसे दुख से खुई के होम स्टे अति कमरा गचुक बसे सजाई बसे गचुक चुक ताकि अति लख पे गचुक बसे दे मिक जक पे सपो आला पसंद यूँ दुजु हा खों गाँव खोर बंग ज्यादा खों गाँव पसंद बेन जुया सिटी बचिक तना गाँव दक्षा अति चु इनशाला खुदा स्नान मेट सन मेट जैसे यंग बिहार चिक्सर या दू चोला दक्षर टूरिस्ट यू नंग खों मना इज्जत ने अम्बो देमो बसे साफ सफाई ने अम्बो खुश तंग स्पी दे चला उन हा पूरा साफ जैसे खुनती बारे आतेस मना स्प्रल चाहिए खुआ आतेस मगर दू मिन की हा थो शिंगातेस खों ज्यादा दक्षर सिटी आयोत होटल लखवा अच्छा हा खासा दे स्कूल खान जगत नातिर होम सिटे इन मैं दुचो मेन चुजु कि नातेस नाती ना जान चे गचुक यूज बस जात ना दिया खुआ तान चिन चुप जुया नातेस गचुक लोकल जान चे जाना खुआ गया नाती लोकल जान तां से खुआ नाते सरदमिक बस गया हाँ नाते मेहमान नवाजी गचुक बत नाती तां छपना मेहमान होना गया चौकसी बस नातें खुँ ने दुख चिन चुप सर या अभी प्रोग्राम में बताया गया कि ये इनिशिएटिव 2020 से लिया गया है यूटी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो ये होम स्टे का एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने खासकर इम्प्लॉयमेंट यूथ्स और जो फार फ्लंग जो लद्दाख के जो गाँव से उसमें टूरिस्ट की फैसिलिटीज़ के लिए टूरिस्ट मीन्स आउटसाइड से जो लोग आते हैं उनके लिए ही नहीं बल्कि जो लद्दाख के जो लोग के लोग जो अलग अलग गाँव में जो गुसर बसर के लिए जाते हैं उनकी फैसिलिटीज़ के लिए या जो बाहर से लोग आते हैं या आउट ऑफ कंट्री से भी जो लोग आते हैं उनको लद्दाख में लद्दाख की कल्चर को की जान पहचाने के लिए कि किस तरह से लोग लद्दाख के अलग अलग सेपरेट गाँव में किस तरह से लोग ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं और उनके रहन सहन क्या है कल्चर क्या है क्या खाना खाते हैं क्या पीते हैं इन सब को इनिशिएटिव्स को आगे लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और ख़ासकर लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इनिशिएटिव उठाया है। सर आप भी एक बेनिफिशियरी हो सर आप किस तरह देखते हो आज की ट्रेनिंग में आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिला और मेरा एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये रहेगा सर कि बहुत सारे आप होम स्टेज जो है आप अलॉट हो चुके हैं सर अब मैं देख रहा हूँ करगिल में अगर ग्राउंड जीरो पे ग्राउंड लेवल पे हम जाके देखें तो
फंक्शनल हमें दिखाई नहीं दे रहे। अब आपको लगते सर आने वाले दिनों में ये जो 200 से ज़ायद आज इन्होंने परमिशन दी है होम स्टेज के लिए, ग्राउंड पे लोग काम करेंगे? अभी जो इनिशिएटिव तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा उठाया है, लेकिन इसमें पब्लिक को आप आगे आने की ज़रूरत है। और ख़ासकर अभी कुछ सालों से आप करगिल भी टूरिज़म मैप पे आया हुआ है, एक फंक्शनल नहीं होने का रीज़न ये भी रहा है कि टूरिस्ट का फ्लो अभी करगिल में लेकिन मुनासिबत बिल्कुल कम है। जब तक टूरिस्ट का फ्लो अच्छे से नहीं हो जाएगा तो ये होम स्टे भी उतना फंक्शन नहीं हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रहा है कि हर किसी को फैसिलेट किया जाए। और मेरी आवाम से ख़ासकर जो बेनिफिशरीज से उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने होम स्टे को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं और आप बाहर के जो टूरिस्ट हैं उसको किस फैसिलेट कर पाते हैं, या आपके ऊपर ये इनिशियल स्टेज है कि अगर इस इनिशियल स्टेज में आप एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिस्ट को अगर आप खासकर अच्छे फैसिलिटीज़ अगर मुहैया कर सकते हैं तो इन फ्यूचर वो दिन दूर नहीं कि करगिल भी टूरिज़म में पे एक बहुत बड़ी बॉल रखेंगे। टूरिस्ट जो है रूरल में ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि या अर्बन में होम स्टेज की बात? मेन्स जो टूरिस्ट होते हैं खासकर जो बाहर से जो भी जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो अर्बन में बैठना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। और ख़ासकर उसमें अभी जो सर्वे के मुताबिक जो रूरल एरियाज है उसमें जो उनके कल्चर से उनके जो रहन जो खाना पीना है उनके भी देखने के लिए भी बहुत सारे टूरिस्ट का फ्लो अभी खासकर लद्दाख में चाहे लेह हो करगिल में दोनों में आते हैं। तो अब रूरल जो एरियाज में अब ये इनिशिएटिव उठाया गया है तो उससे भी ये बेनिफिशरीज और टूरिस्ट को ये बेनिफिट हो सकता है कि रूरल के जो माहौल है जो कल्चर है जो खाना पीना जो रहन सहन है और ख़ासकर जो जोग्राफिकल जो कंडीशन है जो हार्श क्लाइमेट है या समर्स के जो क्लाइमेट है उन सब से अब टूरिस्ट बखूबी इस्तेफादा ले सकेंगे क्योंकि अब टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज़ अब रूरल में भी दे रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम और जो दो रोज़ा होम स्टे ट्रेनिंग आप करने जा रहे हैं सर, तो बेनिफिशरीज को क्या क्या आप ट्रेन करने जा रहे हैं आज के दो रोज़ा ट्रेनिंग में? जी मेरा नाम बिलाल है और मैं फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट लेह जो है वहाँ पे एक्स्ट्रा लेक्चरर हूँ। जो ये दो रोज़ का ट्रेनिंग है होम स्टे का, इसका बेसिक है इनको बेसिक जो पर्पज़ है इसका अवेयरनेस, जो होम स्टे प्लेयर्स होंगे जो होम स्टे चलाएँगे आगे इनके लिए जो सॉफ्ट स्किल्स होती है जैसे कैसे गेस्ट से बात करनी है, सॉफ्ट स्किल्स प्लस थोड़ा टेक्निकल के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन देना है कि इनको होम स्टे को कैसे चलाना है, कि एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी गेस्ट के इनके साथ, और बेसिक हाइजीन सैनिटेशन और थोड़ा ग्रूमिंग के बारे में इसका इस ट्रेनिंग का पूरा पर्पस है ताकि कल को ये देवल भी इन ए बेटर पोजिशन टू वेलकम द गेस्ट एंड इन ए बेटर पोजिशन टू सर्व। सर आप पहले अपना नाम बताओगे और आप थोड़ा बहुत एलाबोरेट करोगे कि इस तरह की आप एक एक्सपर्ट भी हैं सर होम स्टे में टूरिज्म के हवाले से, अगर हम बात करें तो कितना पोटेंशियल आपको लगता है सर करगिल में इस तरह होम स्टे पे टूरिज्म आए? मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं FNB सर्विस लेक्चरर हूँ फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पे जैसे दो दिन की ट्रेनिंग रखी थी होम स्टे ऑपरेटर्स के लिए, तो आज फर्स्ट डे में हमने सॉफ्ट स्किल्स पे यहाँ पे हमने ट्रेन किया है होम स्टे ऑपरेटर्स को, और हमारा कल टेक्निकल और जो टेक्निकल होटल्स की डिपार्टमेंट्स होती हैं इस पे हम बात करेंगे, और जो भी रेस्टोरेंट्स का रहेगा प्रैक्टिकल वो हम सारी इनको बच्चों को नॉलेज। आज के इस दो रोज़ा ट्रेनिंग जो नए होम स्टेज को लेकर हमने जो इनिशिएटिव ली है टूरिज्म डिपार्टमेंट का, थोड़ा बहुत हाँ जैसे आप जानते हैं कि UT फॉर्मेशन के बाद 2020 में टूरिज्म डिपार्टमेंट UT लद्दाख ने टूरिज़म पॉलिसी के तहत होम स्टे पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है, तो उससे हमने इम्प्लीमेंट किया 2020 से हमने स्टार्ट किया इम्प्लीमेंटेशन। उस सिलसिले में हमने जब हमारे पास टूरिज़म पॉलिसी फाइनल होके आगे हायर अथॉरिटीज़ से फॉर इम्प्लीमेंटेशन, तो अकॉर्डिंगली हमने एप्लीकेशन इनवाइट किया जैसे पॉलिसी के हिसाब से जैसे डायरेक्शन जैसे गाइडलाइंस टूरिज़म पॉलिसी में थी उस हिसाब से अकॉर्डिंगली हमने एप्लीकेशन इनवाइट किए पूरी डिस्ट्रिक्ट के हर विलेज से स्पेशली रूरल विलेज से। तो हमारे पास तकरीबन 2500 एप्लीकेशन हमारे पास आ गए, तो उसमें से कुछ क्राइटेरिया फिक्स था जैसे कोई घर में गवर्नमेंट सर्विस करता होगा तो उसे हमने नहीं लिया, तो बाकी जितने भी सूटेबल घर थे जितने भी सूटेबल होम स्टे के लिए सूटेबल था तो हमने PRIs और हमारे बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स को भी कंसल्ट करके हमने सिलेक्ट किया उन 2500 में से कुछ हमारे 2000 के करीब उसमें से सिलेक्ट हो गया। तो लास्ट ईयर हमने उसमें से कुछ 275 होम स्टेज लास्ट ईयर हमने सिलेक्ट किया और हमने उनको किट जो है जैसे आपने प्रेजेंटेशन में देखा उसमें कुछ एक कमरे को
पूरा इसमें कन्वर्ट करने के लिए, गेस्ट के लिए कन्वर्ट करना और गेस्ट के लिए बनाने के लिए हमने जो किट दिया वो हमने लास्ट ईयर 275 के करीब हमने लास्ट ईयर डिस्ट्रीब्यूट किया, और इस साल भी उसी का कंटिन्यूएशन में है क्योंकि ये पॉलिसी अभी आगे भी चलेगी और इंशाल्लाह गवर्नमेंट का यह पॉलिसी है, टूरिज्म डिपार्टमेंट का और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जितने भी एप्लीकेशन आए और मेन मकसद जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले टूरिस्ट को, तो इस मकसद को लेके चल रहे हैं वे में। बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में और ट्रेडिशनल स्टाइल में, जिसमें जैसे कहीं गांव में रुका एक तो टूरिस्ट को फैसिलिटी मिलेगी, दूसरा तो देखने को मिलेगा हमारा फूड हैबिट क्या है, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हमारा रहन सहन क्या है, लोकल स्टाइल में उनको रहने का मिलेगा। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये पॉलिसी जो है हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो इसमें लास्ट ईयर जैसे मैंने बताया लास्ट ईयर हमने कुछ 275 कवर किया, तो इस साल भी कुछ 290 तक अभी हम दूसरे बैच में हम इशू कर रहे हैं, तो होम स्टेज क्रिएट हो जाएगी। लास्ट ईयर तकरीबन इतने होम स्टेज जितने भी हमारे रूरल विलेजेस थे हर विलेज में हमने दिया है, कोई भी ऐसा विलेज नहीं छोड़ा। तो लास्ट ईयर हमने कुछ इतने 270 हमने लास्ट ईयर क्रिएट किए होम स्टेज, इस साल भी 290 हो जाएगी। तो हमारी रूरल एरियाज़ में एकोमोडेशन का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा और टूरिस्ट को उसके साथ साथ ही टूरिस्ट को जैसे मैंने बताया कि लोकल स्टाइल में लोकल एथनिक फूड उनको मिलेगा, लोकल उनको लाइफ स्टाइल के साथ लोकल लोगों के साथ रहन सहन के साथ उनको बैठने का मौका मिलेगा। तो यह हमारा अभी सेकंड बैच का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमने लेक्चरर जो एक्सपर्ट जो है हमने फूडक्राफ्ट इंस्टीट्यूट से लाए, तो ये दो दिन का प्रोग्राम चलेगा। जो हमारे सिलेक्टेड जो 290 सेकंड बैच के हैं तो इनको भी हम इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन के अंदर इनको भी हम जो किट हमारा है डिपार्टमेंट ने जो इनको प्रोवाइड करना है, इंसेंटिवाइज करना है एज असिस्टेंस, मतलब होम स्टे सेटअप करने के लिए, वो हम इंशाल्लाह आगे हफ्ते 10 दिन में इनको भी इशू करेंगे। तो हमारा जो रूरल एरियाज़ में अकोमोडेशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा एक, तो दूसरा मेन मकसद जो है टूरिस्ट जो आएगा बाहर के, हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या फॉरेन टूरिस्ट हो, उनको लोकल स्टाइल में बैठने का मौका मिलेगा। ज़्यादातर रूरल में आप लोग प्रेफर दे रहे हो कि अर्बन में सर होम स्टेज के लिए, और जी जी क्या प्रेफर करते हैं, रूरल या अर्बन? हाँ जी जी जी, टूरिस्ट मैं कहूँगा टूरिस्ट भी डिफरेंट टेस्ट का होगा, कुछ तो होगा जो अर्बन को पसंद करता होगा, लेकिन अर्बन एरियाज़ में तो एक तो हमारे गेस्ट हाउसेस है, दूसरे हमारे होटल अकोमोडेशन है, तो ज़्यादा स्ट्रेस तो हम दे रहे हैं रूरल एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ क्योंकि एक तो अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है, दूसरा तो रूरल एरियाज प्रेफर, मतलब आदमी का ये टेस्ट होता है कि रूरल में जाके रुके, अगर हम भी कहीं जाएंगे तो मतलब सिटी तो देखा हुआ होता है तो सिटी इतना प्रेफर नहीं करते, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा पसंद करते हैं, और ज़्यादा टेस्ट टूरिस्ट का होगा रूरल एरियाज़ में होगा, इसलिए हम फोकस कर रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में एक तो अकोमोडेशन क्रिएट हो, क्योंकि जहाँ पर नहीं हो टाउन में तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, एक तो वो फैसिलिटी है, दूसरा तो जो प्रेफर करेगा रूरल एरियाज़ के लिए तो रूरल एरियाज़ में जाएगा, तो इसलिए एक तो अकोमोडेशन क्रिएट करना, दूसरा जो टूरिस्ट उस टेस्ट का जो टूरिस्ट आएगा रूरल एरियाज़ में रुकने को उनको अकोमोडेशन मिलेगा, इसलिए थोड़ा प्रेफरेंस हम दे रहे हैं होम स्टेज में, बाकी तो इंसेंटिव जो है वो पूरी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, कोई अर्बन एरिया नहीं कोई रूरल एरिया नहीं, तो होम स्टेज हम फिर बाद में शायद हो सकता है अर्बन को भी आ जाए, लेकिन फिलहाल लास्ट ईयर हमने रूरल एरियाज लिया रूरल विलेजेस, इस साल भी हम रूरल विलेजेस को कवर कर रहे हैं। बस आखिरी सवाल होगा सर, अब तो मुझे भी लगता है सर जो ट्रेंड है अब आहिस्ता आहिस्ता ये हाई फाई स्टाइल जो लाइफ अब ख़त्म हो के आप जिस तरह आपने फरमाया कि आप जितने भी चाहे इंडियन टूरिस्ट हो या फॉरेन टूरिस्ट हो सर लोकल ट्रेडिशनल वे में वो लोग आप लाइफ देखना चाहते हैं सर, उसी हिसाब से आप ज़्यादातर प्रेफर जो है होम स्टेज वगैरह तो कर रहे हैं, और आपने भी फरमाया कि तकरीबन 200 से ज़ायद आप लोगों ने सिलेक्शन की है सर, तो उसके लिए कंसर्न यानी कि टूरिज़म डिपार्टमेंट द्वारा कोई इंस्पेक्शन वगैरह हो रहा है कि बराबर प्रॉपर वे में वो लोग चला रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में ऐसा भी लगता है सर होम स्टे के नाम पे पैसा निकाल के लोन निकाल के वो डिफंग होते हैं सर, हमने बहुत सारे ऐसे चीज़ें हमने देखे हैं, तो इसमें क्या क्या इकदाम टूरिज़म डिपार्टमेंट उठा? बिल्कुल बिल्कुल, एक तो जो बेसिक चीज़ है पहली चीज़ मैं बताऊँ, इनको पेनल्टी के साथ हम रिकवर करेंगे अगर नहीं चलाते हैं, लेकिन जैसे मैंने यहाँ भी इनको लोगों को भी ब्रीफिंग दिया लोगों को भी बताया, लेकिन जो बेसिक चीज़ है सिंसियरिटी तो लोगों में चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि अगर हम इंस्पेक्शन हम साइन बोर्ड डाल रहे हैं, एक तो हम रोड पे भी डालेंगे घर पे भी डालेंगे कि ये रजिस्टर्ड होम स्टे है यहाँ पे तुम बैठ सकते हो, उस साइन बोर्ड से पता चलेगा लोगों को यहाँ पे बैठना है, एक वो कंपलसरी है इनको साइन बोर्ड डालना है, लेकिन अब इंस्पेक्शन की बात है, इंस्पेक्शन तो हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं, लेकिन इंस्पेक्शन से भी इतना इफ़ेक्टिवली नहीं चला पाते हैं, अगर हमारे लोग जैसे आप मीडिया के थ्रू भी अगर आप कहेंगे
लोगों को एक अवेयरनेस प्रोग्राम, ये एक ट्रेनिंग होगा कैसे चलाना, दूसरा अवेयरनेस भी होगा कि भाई तुम लोगों को सिंसेरिटी के साथ, जब तक जो हमारे होम स्टे ओनर्स हैं, जो होम स्टे ऑपरेटर्स हैं, वो लोग अगर सिंसियर नहीं होगा तो इतना ही कामयाब नहीं होता है। तो हम इनको यही स्ट्रेस करते हैं, यही हम इनको हमेशा बताते रहते हैं कि एक तो हम इंस्पेक्शन तो ज़रूर करेंगे, रैंडमली भी करेंगे, डिटेल भी करेंगे, हम इंस्पेक्शन तो वो होगा ही होगा, चेकिंग बिल्कुल होगी, और जो नहीं चला रहा होगा उनको हम पेनल्टी के साथ रिकवर भी करेंगे अगर हमने इंसेंटिव दिया होगा या हमने कोई इक्विपमेंट दिया होगा। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि अब वैसे तो पहले से थोड़ा ट्रेंड भी थोड़ा चेंज हुआ है, हमारा स्टाइल भी थोड़ा चेंज हुआ है, अब थोड़ा लोगों को भी यह हो गया है कि शूर आ गया है कि टूरिस्ट को एकोमोडेशन तो फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, जो इंसेंटिव मिलता है उसका सही इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा आपके इस माध्यम से कि लोगों को सेंसियर होने की ज़रूरत है, ज़्यादा डिपार्टमेंट से भी ज़्यादा, डिपार्टमेंट तो करेगा, डिपार्टमेंट पेनल्टी लगाएगा, डिपार्टमेंट रिकवर करेगा, वो भी मकसद हमारा पूरा नहीं होता है। हमारा मकसद तभी पूरा होता है जब सिंसियरिटी के साथ हमारे जो बेनिफिशरीज़ हैं वो सिंसियरिटी के साथ चलाए। सिंसियरिटी के साथ चलाने का फ़ायदा एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उनको अपना रोज़गार होगा, एंगेज होगा उन वो टूरिस्ट के साथ, और सबसे जो बेसिक जो चीज़ है, बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है डिपार्टमेंट का, तो वो ये है कि फैसिलिटी मिलेगी जहाँ भी जाएगा, अगर ये नहीं चलेगा तो फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो हमारा मेन मकसद तो है फैसिलिटी मिलना, तो यही मैं कहूँगा कि सिंसियरिटी के साथ चलाने की ज़रूरत है। बाकी इंस्पेक्शन तो इंशाल्लाह हम वो तो करते रहेंगे, रिकवरी भी होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा मकसद हासिल नहीं होगा बनिस्बत सिंसियरिटी के साथ अपने लोग, अपने बेनिफिशरीज फॉरवर्ड आके सिंसियरिटी के साथ चलाएं। बस 2023-24 के लिए अगर कोई नया अप्लाई करना चाहते हो सर, वो कब से? जी जी जी, वो ये है कि लास्ट जैसे हमने जब पॉलिसी हमारा फ्रेम हुआ, फिर वो इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे आ गई, तो हमने एप्लीकेशन ले लिए, उसमें से मैंने जैसे बताया कि तकरीबन 2500 एप्लीकेशन आ गई, उसमें से हमने सिलेक्ट भी कर रखा है 2000, लेकिन जब तक वो कवर नहीं होगा शायद, लेकिन अभी हम वेट करेंगे कि हायर अथॉरिटी से क्या डायरेक्शन आते हैं, हमारे डायरेक्टर से, हमारे सेक्रेटरी साहब से, या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, LG साहब से, एडवाइज़र साहब से, हमें क्या हायर अथॉरिटी से हमें क्या डायरेक्शन मिलता है। फिलहाल हमारे यही है कि जितने हमारे पास एप्लीकेशन हैं सिलेक्टेड बेनिफिशरीज, क्योंकि लास्ट ईयर हमने कुछ कवर किए, इस साल कुछ कवर किए, अभी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल मई में, फिर थर्ड फेज़ का भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगा। तो उसके आगे हम तो यही अभी मान के चल रहे हैं कि जितने एप्लीकेशन सिलेक्टेड एप्लीकेशन हमारे पास हैं तो वो भी इंशाल्लाह एक दो तकरीबन 3-4 बैच हमारा हो जाएगा तो सारा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नए ले लेंगे, क्योंकि अगर अभी नया ले लेगा तो एप्लीकेशन हमारे पास बहुत सारे आते हैं और एक तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, फिर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि नई उनको कैसे सेलेक्ट करेंगे, फिर पीछे जो ऑलरेडी एप्लीकेशन हमारे पास सबमिट किया हुआ है, सेलेक्ट लिस्ट भी हमने नोटिफाई किया होगा, तो शायद हम पहले उनको कवर कर लेंगे फिर नया एप्लीकेशन ले लेंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल कारगिल टुडे, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस, लाइक अस ऑन फेसबुक एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, कीप वॉचिंग कारगिल टुडे, कीप एंजॉयिंग कारगिल टुडे, द ओनली वॉइस ऑफ कारगिल लद्दाख।